हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोड़ो। आप देख सकते हैं हमारे पास ये रेडमी का नोट 10 प्रो है और साथ में आप देख सकते हैं सैमसंग M51 है। दोनों डिवाइसेस का काफ़ी अच्छा कंपैरिजन बन जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इन दोनों डिवाइसेस को 4 to 5 months यूज किया जा चुका है। वहीं पे अगर फिजिकल कंडीशन की बात करें तो सैमसंग M51 पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आपको नज़र आ रहे होंगे और बेसिकली इसको कवर के साथ यूज़ किया गया है तब इसका ये हाल है। यानी ये जो बैक का मटेरियल है सैमसंग M51 का वो बिल्कुल बेकार है। आपको एक तरह से किसी इस पे आई रिकमेंड की किसी आप इसके स्किन का यूज़ करें, जो मोबाइल स्किन आते हैं उस केस में शायद ये थोड़ा प्रोटेक्टेड रहे। आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे नोट 10 प्रो तो काफ़ी अच्छे ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। ये फ्रॉस्टेड ग्लास है और इस पर बिल्कुल भी कोई स्क्रैचेस नहीं आए हैं और इसको लगभग 99% ऑफ द टाइम्स बिना कवर के इस्तेमाल किया गया है और फिर भी इतना क्लीन यहाँ पे आपको ये मिल रहा है। और इस पर फिंगरप्रिंट स्मैचेस भी नहीं आते हैं, जबकि इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट स्मैचेस भी देखने को मिलते हैं। बट ये जो भी दिख रहा है ये पूरी तरह से क्लीन करने के बाद की ये सिचुएशन है, तो ये कोई स्मैचेस नहीं है, बेसिकली स्क्रैचेस हैं जो कवर के बाद भी परमानेंट इस पर आ चुके हैं इन 5 months की ड्यूरेशन में। अब वहीं पे अगर बात करें इसके प्रोसेसर की तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 732G मिलता है और इस M51 में आपको 730G मिलता है। तो थोड़ा सा एक क्लॉक स्पीड का ही डिफरेंस है दोनों में, बाकी लगभग प्रोसेसर की कैपेबिलिटी और आर्किटेक्चर सेम है। तो डे टू यूजेस में आपको डे टू डे में लगभग सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस इनफैक्ट बेटर हो जाता है सैमसंग के फ़ोन में, क्योंकि यहाँ पे आपका जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर मिलता है। तो प्रोसेस के मामले में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। अगर वहीं पे बात करें डिस्प्ले, तो डिस्प्ले काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डे टू डे लाइफ में और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाए। तो अगर दोनों फ़ोन्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनकी डिस्प्लेस को आप प्लेसमेंट मिलता है। वहीं इनफैक्ट अगर बात करें इस पर्टिकुलर सैमसंग M51 में तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच का प्रॉपर डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको लगभग एक जो बेहतरीन डिस्प्ले का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपर एमोलेड पैनल के साथ इस प्राइस सेगमेंट में, वो आपको पूरी तरह से मिल जाता है। यानी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ डिस्प्ले में नहीं किया गया है इस सैमसंग के फ़ोन में। तो ऊपर से फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है और पीछे से काफ़ी ख़राब दिखता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे ये पूरा 6.7 इंच का है और ये डिस्प्ले आपका जो है वो 6.67 इंच का डिस्प्ले होता है। तो साइज़ में डिफरेंस है और वो आपको नज़र आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों डिवाइसेस को तो कहीं ना कहीं आपको देखते ही नज़र आएगा कि ये डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है सैमसंग का और वो आपको दिखता है। भले ही थोड़ा 0.3 इंच का ही डिफरेंस है, बट वो आपको नज़र आता है आपकी डे टू डे लाइफ में। अगर आप दोनों फ़ोन को एक साथ यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस सैमसंग के फ़ोन में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सुपर एमोलेड प्लस पैनल का जो सपोर्ट मिलता है और यहाँ सुपर एमोलेड है, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। आपके कलर सैचुरेशन सब चीज़ में आपको वो नज़र आएगा, क्योंकि हमने सिमिलर काइंड ऑफ वॉलपेपर का भी इस्तेमाल किया है, तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा होगा कि कौन सा डिस्प्ले ज़्यादा बेहतर है। अब अगर बात करें यहाँ पे पंच होल, तो यहाँ पंच होल आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा है, जबकि रेडमी के फ़ोन में काफ़ी छोटा सा पंच होल मिलता है। तो वो एक तरह से बेहतर पॉइंट है कि आपको पंच होल काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है इस रेडमी नोट 10 प्रो में। तो डिस्प्ले में आई डेफिनेटली रिकमेंड टू गो विद सैमसंग M51 अगर आपकी प्रायोरिटी डिस्प्ले ही है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कैमराज। तो कैमरा का अगर यहाँ पे बम्प देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बाहर उभर के आता है रेडमी के नोट 10 प्रो में। वहीं पे काफ़ी सटल सा यहाँ पे दिया गया है सैमसंग M51 में, तो इसको डैमेज काफ़ी कम होता है डे टू डे यूजेस में अगर आप टेबल वगैरह पे प्लेस करते हैं। तो एक कैमरा प्लेसमेंट की अगर बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर है इस सैमसंग के डिवाइस में, लेकिन अगर ओवरऑल कैमरा की बात करें तो ऑफकोर्स उसमें भी सैमसंग ही बाजी मारता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा दिया गया है। कोई भी 2 मेगापिक्सल का कोई ऐसा गिमिक नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पर आपको रेडमी नोट 10 प्रो में आपको 64 मेगापिक्सल प्राइमरी एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 5 मेगापिक्सल एक आपको डेप्थ और 2 मेगापिक्सल आपको 5 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर मिलता है। तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा आगे है आपका सैमसंग M51, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी है और प्लस जो सेंसर यूज़ किया गया है कैमराज में वो ज़्यादा बेटर है। LED फ्लैश लगभग दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ लाइटअप करते हैं। यहाँ पर कुछ एक अलग सा एक प्लेसमेंट है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है वो। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कैमराज है। आई विल शेयर सम सैम्पल शॉट्स एज वेल, जिससे आपको रेफरेंस मिल पाए।
यहाँ पे रेडमी का जो लोगो है वो बेसिकली वर्टिकली प्लेस किया गया है और सैमसंग का यहाँ पे हॉरिजेंटली प्लेस किया गया है। तो ओवरऑल डिज़ाइन में आपकी चॉइस हो सकती है, बट मुझे पर्सनली अगर चुनना हो तो ओवरऑल डिज़ाइन एंड कैमरा बम्प को देखते हुए फिर भी मैं इस रेडमी नोट 10 प्रो के साथ ही जाऊँगा। अब अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे आपको फ्रंट जो कैमरा मिलता है वो इस पर्टिकुलर डिवाइस में 32 मेगापिक्सल और यहाँ पे आपको रेडमी नोट 10 में आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है रेडमी नोट 10 प्रो में। अगर हम कैमरा क्वालिटीज़ सैम्पल्स की बात करें तो आप जब भी मतलब इसको एक अपने प्राइमरी फ़ोन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कैमरा का होने वाला है इस पर्टिकुलर सैमसंग के साथ। आप पहले स्टार्ट करते हैं सेल्फ़ी से, आप देख सकते हैं दोनों में मतलब अगर ओवरऑल देखेंगे क्लियरिटी एंड लाइट अप होने का, तो यहाँ पे जो पिक्चर है 16 मेगापिक्सल से वो थोड़ा सा डल हो गया है, जबकि आपको सैमसंग के फ़ोन में काफ़ी क्लियर पिक्चर नज़र आता है अगर आप फ्रंट कैमरे इसकी बात करें, क्योंकि 32 मेगापिक्सल लगभग जस्ट डबल है तो आपको वो चीज़ें नज़र भी आती हैं। वहीं पे अगर इस शॉट में बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा येलोइश टोन तो मिलता है इस सैमसंग में, बट ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी की अगर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा जूम करने के बाद आप देख सकते हैं जो रिटेन्ड है इसमें क्वालिटीज़ आपकी सैमसंग के फ़ोन में। वहीं पे अगर एक शॉट और जो मैंने लिया है अब उसको कंपेयर करें तो यहाँ पे भी लगभग सिनारियो सेम ही हैं, सिमिलर ही हैं, आप देख सकते हैं। प्रॉब्ली आपको उतना बेटर अंदाज़ा इसलिए नहीं लग पा रहा होगा कि जिस कैमरे से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो आपको थोड़ा वो क्लियरिटी नहीं मिल पा रहा होगा जो मैं अपने मतलब फिज़िकल लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो इनफैक्ट अगर कैमरे की अगर कंक्लूजन की बात करें तो ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस आपको सैमसंग M51 में ज़्यादा बेटर मिलने को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बैटरी, तो बैटरी के मामले में ऑफकोर्स एक जब भी इसको प्लेस किया गया था तो एक वन ऑफ द बेस्ट बैटरी था इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया में। तो 7000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है सैमसंग में और इसमें आपको मिलता है 5020 mAh का बैटरी। तो ओवरऑल बैटरी के मामले में कोई कंपेयर ही नहीं है सैमसंग M51 का, इनफैक्ट अभी भी कोई कंपेयर नहीं है अगर आप देखोगे बाकी जो डिवाइसेज इस प्राइस रेंज में है, क्योंकि अभी इसका प्राइस लगभग 19,000 से रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसलिए एक बेटर कंपैरिजन हो जाता है, क्योंकि इसका भी जो 6 and 128 वर्जन है वो लगभग उतने ही प्राइस पे भी हो गया है। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो बैटरी काफ़ी बेहतर है सैमसंग के फ़ोन की। अब यहाँ पे चॉइस आपकी है, अगर हम कंक्लूड करें तो आपको अगर बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए, एक स्लिम फ़ोन चाहिए और मतलब ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा कैमराज या बहुत ज़्यादा डिस्प्ले का फ़र्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट डिस्प्ले में भी दोनों लगभग सेम ही हैं पर थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है प्लस पैनल की वजह से, तो आप इसके लिए जा सकते हैं सैमसंग के लिए। अदरवाइज़ ओवरऑल अगर हम देखेंगे प्राइस पॉइंट को रख करके, बिल्ड क्वालिटी को रख करके, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है और वो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिल जाता है रेडमी के नोट 10 प्रो डिवाइस में। तो और इनफैक्ट प्रोसेसर भी थोड़ा सा इम्प्रूवड है, बट यूज़र इंटरफेस की बात करें तो वो थोड़ा सा ख़राब मिलता है आपको इस रेडमी के फ़ोन में। इनफैक्ट वो मैं भूल गया था, बट आई थिंक उसको भी कवर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं लगभग दोनों डिवाइसेस को सिमिलर टाइम पे परचेज़ किया गया है और यहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, आई मीन जो सॉफ्टवेयर का अपडेट वगैरह का, वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको MIUI 12.5.8 का सपोर्ट मिलता है, जबकि सैमसंग में आपको सैमसंग का जो कोर UI है वो वहाँ पे मिलता है। और अगर हम दोनों के सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रन कर रहा है आपका एंड्रॉयड वर्जन 11 पे और इसमें सितंबर 1 का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच है, वहीं पे इसमें भी सितंबर 1 का ही सिक्योरिटी पैच है। तो ऑलमोस्ट हर मामले में जो अपडेट्स वगैरह मिलते हैं वो सेम हैं और आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 11 का ही सपोर्ट मिल रहा है। तो सॉफ्टवेयर में ऑलमोस्ट टाई हो जाता है, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है आपका, यूज़र इंटरफेस वगैरह जो मतलब आपको डे टू डे लाइफ में जो एप्लीकेशन क्रैश का इशू है वो सिर्फ MI के साथ होता है, यहाँ पे सैमसंग में हमने कोई ऐसा ऐप क्रैश का इशू नहीं फेस किया है। तो दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट कि सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में आपको सैमसंग M51 को ही चुनना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए ऐसे ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।